हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और नए दिन की शुरुआत होगी और सुबह सुबह सारे काम हो चुके हैं। अनुराग भी रेडी हो चुका है, हस्बैंड तो निकल भी गए हैं, अभी मिलेंगे हम उनको रोड में जाके। अभी अनुराग जा रहा है स्कूल की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया वैसे ही कैमरे की बैटरी डेड हो गई और मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई आगे का। हस्बैंड चले गए थे नीचे, तो ऑटो स्टार्ट कर रहे थे और अनुराग और मैं भी जा रहे थे। मैं जा रही थी दूध लेने के लिए और मैंने सोचा था कि आपको आसपास का थोड़ा बहुत व्यू दिखा देती हूँ, लेकिन बैटरी डेड होगी तो मैं इसको चार्जिंग लगा के फिर चली गई थी। और अभी आ चुकी हूँ मैं दूध लेकर, अब दूध बॉयल कर लेते हैं। और बस अभी सुबह सुबह ठंड काफ़ी ज़्यादा है और साफ़ सफाई करेंगे हम अंदर की, और बस उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल कैमरे को चार्जिंग पर लगा लेते हैं और हम करते हैं दूध वगैरह बॉयल। तो फ्रेंड्स, 10 बज चुके हैं और धूप आ चुकी है, 10 से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अभी तक मैं बिस्तर में बैठ के अपना काम कर रही थी और अब बस सब करते हैं साफ़ सफाई का कार्यक्रम जो रोज़ होता है, फटाफट से कर लेते हैं। आज धूप अच्छी लग रही है वैसे, देखते हैं आज कुछ और भी करना था मुझे तो वो भी करेंगे, लेकिन पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी सारे झाड़ू मैंने लगा दिया है नीचे तक और अब चलते हैं डॉग्स को खोलने के लिए। सर्दियों में खट्टा खट्टा नींबू का अचार खाना तो सभी को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़े दिनों पहले भी मैंने नींबू और मिर्ची का अचार डाला था और वो फिर आजकल ख़त्म हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया। ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहा, फुल था ये डब्बा और खा के अब इतना सही बचा है। तो जब भी मैंने बनाया था तो मुझे लगा कि चलो, उस वक्त तो मैंने बनाया था कि मिर्चें जो सेव करने के लिए, कि मिर्चें जो हमारी आती हैं सब्जियों के साथ उनको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि वो सूख जाती हैं फिर, मतलब ख़राब हो जाती हैं, ऐसा होता है। तो उस वक्त तो बनाया था, लेकिन इतना टेस्टी लगा कि मैं मार्केट से लेके आई हूँ स्पेशल नींबू अचार डालने के लिए। और ये मिर्चें फिर से वही हैं जो सब्जियों के साथ आई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इनका अचार डाल लेती हूँ। आज मौसम भी अच्छा है क्योंकि नींबू को मुझे बॉईल करना है और फिर इनको सुखाना है थोड़ा सा धूप में। तो फटाफट से नींबू को पहले बॉईल करने के लिए लगा लेते हैं और हम मिर्चियों में डालते हैं जीरा। इनको लगा लेते हैं यहाँ पर और हम चलते हैं, इसको लगा रहने देते हैं, बॉयल हो जाएगा। हम चलते हैं मिर्चें लेकर और ये छुरी और साथ में ये चॉपर बोर्ड लेकर धूप में बैठ के मिर्चियाँ लगाते हैं हम। तो जी फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं इन हरी हरी मिर्चों का कत्ल। आज करेंगे कत्ल, ऐसे चीरा लगाएंगे इसमें और इसकी डंडी हटा देंगे साथ ही साथ। सारी मिर्चों को इस तरह से लगाएंगे हम चीरा, थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसमें। इसकी डंडी को हटाते जाएंगे, आप चाहें तो डंडी रख भी सकते हैं। पिछली बार मैंने डंडी रखी थी ऐसे ही, जब खाना होता है ना इसको मिर्च को तो फिर इजी रहता है। हम चलो और डंडी को रिमूव नहीं करते हैं, ऐसे ही रख लेते हैं। तो ऐसे सारी मिर्चों में लगा देंगे ऐसे चीरा। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने सारी मिर्चों को चीरा लगा दिया है, अब हम इनको रख देंगे धूप में ताकि ये थोड़ी सी इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो मॉइस्चर चला जाए, नहीं तो मॉइस्चर अगर रह जाता है ना तो अचार के ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मॉइस्चर नहीं रहेगा अचार में, मिर्चों में भी और नींबू में भी, तो फिर वो थोड़ा सा ख़राब नहीं होता जल्दी। और बस इसीलिए हम इन मिर्चों को रख देते हैं धूप में, थोड़ा सा हाइट पर रख देते हैं ताकि इनको अच्छी सी धूप लग जाए। मंकी का भी डर रहता है यहाँ पर आने का, मंकी गिरा भी देते हैं, लेकिन चलो फिलहाल अभी तो मंकी दिख नहीं रही है मुझे, यहाँ रख देते हैं ताकि इसमें अच्छी सी धूप लग जाए। और हम चलते हैं देखने के लिए अपने नींबूओं का हाल। तो मुझे लग नहीं रहा है कि अभी उबला है पानी। हाँ, तो उबलना शुरू हो ही गया है, उतनी सी देर में मिर्ची मैंने कर भी ली क्योंकि थोड़ी सी मिर्चें इसलिए जल्दी कट हो गई, अदरवाइज उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये। और दोस्तों एक चीज़ और, मिर्चों को कट करने के बाद अपना ध्यान रखें, आंखों में हाथ ना लगाएं क्योंकि फिर हो सकता है आपके साथ
दुर्घटना घट सकती है, काफी बड़ी आपको आंखों में मिर्ची लग सकती है, इसलिए मिर्चों को कट करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धो लें या फिर आंख में ना लगाएं। अभी मैंने धोए नहीं है अपने हाथ, लेकिन मैं आंखों में नहीं लगाऊंगी, मुझे याद रह जाता है। तो बस ये नींबू हमारे हल्की से सॉफ्ट हो जाए ना, तब तक हम इनको बॉईल करते हैं। तो ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं काफ़ी। तो अब हम इनको निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे हम। कुछ लोग सिर्फ गर्म पानी में डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बॉईल भी कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा नरम हो जाए और फिर जल्दी जल्दी हमारे नींबू पक जाए। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इस गर्म पानी को हम फेंकेंगे नहीं, यूज़ करेंगे बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो अभी पहले फ़िलहाल नींबू निकाल लेते हैं हम। तो मैं इस छन्नी में निकालने वाली हूँ नींबू को, लेकिन इसके नीचे मैंने रख दी है एक थाली, ताकि जो पानी ना वो थाली में गिरे, हमारी शेल्फ खराब ना हो। तो सारे नींबू मैंने निकाल लिए हैं और नीचे देखो पानी काफ़ी इकट्ठा हो गया है, इसमें अभी भी पानी नहीं जुट रहा है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से निचोड़ के पानी को फिर हम इनको ले जाएंगे धूप में। ये देखो नींबू का कलर, वाओ कितना अच्छा हो गया है ना, थोड़ा सा मतलब हाफ पक चुके हैं ये, काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखो अगर ऐसे करके हम इनको देखते हैं ना, तो ये काफ़ी सॉफ्ट से हो गए, ये देखो। और अब हम इनको धूप में सुखाएंगे, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। आप चाहे तो कपड़े से भी सुखा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़े से ठंडे भी हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको धूप में रख लेती हूँ सूखने के लिए। और मुझे भी वहीं पे बैठना पड़ेगा, नहीं तो बंदर। यहाँ रख दिया मैंने धूप में, लेकिन आसपास ही रहना पड़ेगा, नहीं तो बंदर इनको ले जा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मेरे पास है सब्जी, बटर और ये परांठा, और साथ में ये मेरी चाय। चाय मुझे ज़रूर चाहिए होती है ब्रेकफास्ट के साथ। तो ये रहा आज का मेरा ब्रेकफास्ट, और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। वैसे मैं हमेशा सोचती हूँ कि सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करूँ, लेकिन क्या होता है ना कि सुबह चाय पी लेते हैं तो उसके बाद भूख ही नहीं होती। तो अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। अब लंच का क्या, फिर कुछ नहीं, कभी कर लेती हूँ कभी नहीं करती हूँ, कभी कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, बस ऐसे ही रहता है मेरा लंच। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं कर रही थी अपना काम सारा, और धूप में बैठ के अपना काम कर रही थी। उसके बाद दी और जिया जी आ गए थे, तो कुछ भी शूट नहीं किया मैंने। अपने मिर्ची और नींबू मैंने धूप में सुखा लिए थे, अब मैं उनको ले आई हूँ अंदर और अब कट कर लेते हैं। ये देखो नींबू भी अच्छे से सूख गए हैं बिल्कुल, और मिर्चियाँ भी अच्छे से हो चुकी हैं। तो अब इनको फटाफट से कट करेंगे हम। थोड़े बॉयल करने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको काटना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इससे रस भी निकलने लग जाता है। ये देखो तो फाइनली सारे नींबू मेरे कट हो चुके हैं, और ये रही मिर्चें। अब हम इसमें डालेंगे मसाले और तेल, और फिर डब्बे में भर लेंगे। तो पहले हम इसमें डाल लेते हैं मसाले। हम डालेंगे इसमें सौंफ, अजवाइन, बस ये दो ही चीज़ें डालेंगे, बाकी चीज़ें हम और कुछ भी नहीं डालेंगे। मतलब मसालों में हल्दी मिर्च तो डालेंगे, हल्दी मिर्च और काफी सारा नमक। नमक हम काफी सारा डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिर्चों को भी इसमें डाल लेते हैं और दोनों को साथ में मिला लेते हैं अच्छे से। इसी बीच हस्बैंड भी पहुंच चुके हैं घर पे, लेकिन उनको चाय पानी कोई नहीं पिला रहा है अभी, क्योंकि मैं अभी कर रही हूँ ये मिलाने का काम। उसको एक बार डब्बे में भर लेंगे ऑयल वुल डालने के बाद, फिर बनाते हैं चाय। अच्छे से मिला लिया है मैंने इसको, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल और सरसों का तेल हम इसमें डालेंगे, बाकी कोई भी तेल नहीं डालेंगे। तो ऑयल यहाँ पे गर्म करने के लिए मैंने लगा दिया है, जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको डालेंगे उसमें अचार में, और हमारा अचार हो जाएगा रेडी। अचार को हम पहले ही भर लेते हैं डब्बे में, हम सीधा तेल डब्बे में ही डाल लेंगे, ताकि हमें जो है अचार हमारा मतलब
तेल नहीं तो अगर उसमें डालेंगे फिर वेस्ट होगा, फिर उसमें डालेंगे तो इसलिए अचार हम सीधा पहले डब्बे में डाल देते हैं, ऊपर से तेल डालेंगे। और यहाँ पे हो रहा है पानी गरम। बिल्कुल साफ और सूखा डब्बा लेना है हमको, पानी वाला नहीं होना चाहिए। कैसा लग रहा है देखने में? अच्छा भी लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना। पर जो जैसा अचार मम्मी डालते हैं ना, मम्मी जी के हाथ के अचार की तो बात ही क्या है, वैसा तो मैं कभी भी नहीं डाल पाऊँ शायद, लेकिन चलो कोशिश करती रहती हूँ थोड़ा बहुत मैं भी। तो ये तेल हमारा ठंडा हो चुका है और हम ये डाल देंगे सारा तेल इसमें। ये डाल दिया मैंने सारा तेल इसमें और बस अब इसको मिलाने की ज़रूरत नहीं, जब हम डब्बे को हिलाएंगे तो अपने आप हिल जाएगा। को ढक्कन लगा के बंद करके रख देंगे और कल रखेंगे इसको धूप में। तो ये बन गया है हमारा यम्मी टेस्टी अचार। तो जी दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और ये सब मेक लेती हूँ अपने मसाले जो कि मैंने अचार में डाले थे। और अब बनाएंगे हम चाय, हस्बैंड के लिए चाय भी नहीं बनाई थी अभी मैंने, चाय बनाएंगे और सब्जी बनाएंगे आज हम घंटियाली की जो कि मैंने बॉईल करके रखी है। ये रही हमारी घंटियाली, बॉईल करी हुई है मैंने, मम्मी ने दी थी। दोस्तों अभी हम लगा रहे हैं तड़का अपनी घंटियाली, चाय जीरे डाल दिए, जीरा डाल दिया, चाय डाल दिया और इसमें टमाटर फ्रेश कर लिए हैं मैंने। और यहाँ पे है हमारी घंटियाली, छिल लेते हैं साथ साथ हम ऐसे काम कर रही हूँ। अभी मैं कौन सी चप्पल, आपकी चप्पल बाहर है, पापा क्यों ले जाएंगे आपको? होमवर्क पूरा हो गया है मैम? कौन है मैम यार? हाँ जी बन रहा है। क्या मत डालना सीक्रेट कैमरा लगाया आज मैंने अनुराग के लिए। क्या मतलब है अनुराग हो रहा था मेरे को? यस मैम यस मैम। अब हो रहा है कि प्रॉब्लम मत डालना मम्मी, सीक्रेट कैमरा लगाते हो आप तो। तो जी फ्रेंड, डिनर वगैरह हो चुका है, अनुराग भी सोने चला गया, मैं भी बहुत देर से यहाँ पे आ गई हूँ बिस्तर में और अपने पता नहीं बस वैसे ही सोशल मीडिया पे कुछ कुछ चीज़ें देख रही थी, न्यूज़ चल रही है आजकल कुछ खास खास बस वो ही देख रही थी। और अभी बज चुके हैं 10, तो अब बैठूँगी मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। तो फटाफट से वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ और फिर इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड कर लेती हूँ। आई होप कि आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।